मां की कब्र के पास दफनाए गए जॉर्ज फ्लॉयड, 6000 लोगों ने दी अंतिम विदाई। परिजनों के साथ साथ खास लोग रहे मौजूद। फ्लॉयड की मौत से फिर गमाया नक्सल भेद का मुद्दा। कोरोना काल में भूकंप का संकट, देश में कई जगह महसूस हुए भूकंप के झटके। तो बुधवार तड़के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर पूर्व में आया भूकंप, 4.3 आके गई भूकंप की तीव्रता। दुनियाभर में कोरोना का कोहराम जारी, 73 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। तो 4,13,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत, तो वहीं 36 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, मरीजों की संख्या 2,76,000 के पार, 7,745 मरीजों ने तोड़ा दम, तो वहीं 1,35,000 से ज्यादा मरीज हुए कोरोना मुक्त। एशिया कप 2020 को लेकर एशियाई क्रिकेट परिषद के कार्यकारी बोर्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में बीसीसीआई ने किया साफ, पाकिस्तान में खेलना संभव नहीं। एसीसी ने कहा कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए फैसला आने वाले समय में लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, शोपिया के सुगो हिदामा इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़, सेना ने 5 आतंकवादियों को किया ढेर। रेलवे में बड़े बदलाव की तैयारी, टिकट प्रिंटिंग बंद करने, टीटी की जगह आरपीएफ स्टाफ और ट्रेन में मौजूद टेक्नीशियन को टिकट की जांच का प्रस्ताव। स्टेशन मास्टर सिग्नल मैनेजर के रूप में भी करेंगे कार्य, इस पर बोर्ड ने अभी नहीं लिया फैसला। दिल्ली में आज से सस्ती हुई शराब, अब नहीं लगेगा 70% कोरोना टैक्स, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। कोरोना को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में तेजी से फैलने वाला है कोरोना संक्रमण, ये समय राजनीति करने का नहीं, अगर हम लड़ते रहे तो जीत जाएगा कोरोना। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार में आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। तेजस्वी ने कोरोना महामारी को लेकर सीएम पर कसा तंज, तो जवाब में सीएम ने कहा हम रोज एक एक चीज करके कर रहे हैं समीक्षा, लेकिन आप कहां हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर पलटवार, लद्दाख से भाजपा सांसद जमयांग सेरिंग ने किया पलटवार, कहा चीन ने कांग्रेस कार्यकाल में भारतीय जमीन पर किया था कब्जा, उम्मीद है राहुल और कांग्रेस तथ्यों के आधार पर मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कोरोना वायरस से डीएम के विधायक जे अनबजगन का चेन्नई में निधन, विधायक आज था जन्मदिन। गौहत्या पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, योगी सरकार लेकर आई गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश, गौहत्या पर होगी 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, इसके साथ ही अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुए गैस लीक के मामले में जांच शुरू, जगमोहन रेड्डी सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया, जो एलजी फॉर्मुलर प्लांट में हुए हादसे की करेगी जांच, कमेटी अपनी रिपोर्ट 22 जून को सौंपेगी, इसके बाद सरकार की ओर से की जाएगी आगे की कार्रवाई। इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गैस लीक मामले में एलजी पॉलीमर कंपनी को लापरवाही का माना दोषी, अब एनजीटी की ज्वाइंट कमेटी ने दिया आदेश, घटना में मारे गए सभी लोगों के परिजनों को दे मुआवजा। यूपी के बहुचर्चित पाला गृह घोटाले की जांच तेज, सीबीआई ने लखनऊ में भाजपा विधायक नीरज वोरा के आवास पर की छापेमारी, विधायक के भाइयों से भी की पूछताछ, घोटाले में विधायक इस संस्था का नाम आ रहा है सामने। कोरोना महामारी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर, प्रदेश में बिगड़ते हालात से मुख्यमंत्री चिंतित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के वर्तमान हालातों की समीक्षा। कोरोना के चलते राजस्थान की सीमाओं पर आवागमन होगा नियंत्रित, अब बगैर जिला प्रशासन की अनुमति के राज्य से बाहर आ जाने पर लगेगी रोक, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से दुखद खबर, बब्बर शेर सिद्धार्थ की भी हुई मौत, रात करीब 3 बजे हुई बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत, 2 दिन में एक बाघ और एक शेर की हुई मौत। मुख्यमंत्री के प्रयासों पर 12 जिला प्रशासन फेर रहा है पानी, गोरदा गांव में हुआ सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, करीब 5,000 लोग हुए समारोह में शामिल। चूरू के सुजानगढ़ में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 2 स्वास्थ्यकर्मी मिले कोरोना संक्रमित, नाथो तालाब स्थित बीसीएमओ कार्यालय में थे कार्यरत, हालांकि स्वास्थ्यकर्मियों को पहले ही कर दिया था क्वारंटीन। धौलपुर में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े, संक्रमित रोगियों का आंकड़ा पहुंचा 70 के पार, चिकित्सा विभाग हुआ अलर्ट, सभी की निकाली जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री।
करौली में भी नहीं थम रहा कोरोना का खौफ, बेपरवाह होकर बाजारों में घूम रहे लोग, गाइडलाइंस की भी नहीं की जा रही पालना। बारा जिले में कोरोना का बढ़ता जा रहा है कहर, बाहर से आने वाले लोगों को किया जा रहा है आइसोलेट, देवरी में 12 लोगों के लिए गए सैंपल, स्वास्थ्य विभाग भी हुआ अलर्ट। पाली के मारवाड़ जंक्शन में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पिलाया काढ़ा, भामाशाह के सहयोग से प्रशासनिक अधिकारी और जनसमुदाय को पिलाया गया काढ़ा। राजधानी के विराटनगर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान, लोगों का जीवन बचाने में जुटे कोरोना वॉरियर्स का किया गया स्वागत, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा देकर किया सम्मानित। बीकानेर के खाजूवाला में गरमाया जगासर हादसा, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने समझाइश कर मांग पूरी करने का दिया आश्वासन। पाली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के लिए पिकअप चोरी का मामला किया खुलासा, इस मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पूछताछ में कई वारदातों के खुलासे की संभावना। मकराना के भाटीपुर गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, आत्महत्या के कारणों का फिलहाल नहीं चल पाया है पता। सिरोही के पिंडवाड़ा में एक युवक को पीट पीट कर मारा, मृतक के परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने समझाइश के बाद कराया मामला शांत। लॉकडाउन में भी भक्तों की आस्था नहीं हो रही कम, यूपी के मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी द्वार पहुंचे भक्त, सीढ़ियों पर ही पूजा पाठ कर मांगी मन्नत। यूपी की सैफा यूनिवर्सिटी को मिली सफलता, राजनिर्वाण बची एलोवेटिक दवा से हो रहा कोरोना का इलाज, इससे अब तक 91 मरीज हुए कोरोना मुक्त। यूपी के कासगंज में नवविवाहिता ने पति पर किया हमला, प्रेम प्रसंग के चलते पति को जीवन से हटाने का रचा षड्यंत्र, सोते समय हथियार से हमला कर किया घायल। यूपी के रामपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, हत्या के कारणों का अभी नहीं हो पाया खुलासा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जैत गांव में मिला अधेड़ का शव, अभी तक नहीं हो पाई शव की शिनाख्त, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में युवक की गला रेतकर हत्या, जासापारा गांव की है घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में दबंगई, दो युवकों ने नाबालिग से दुष्कर्म का किया प्रयास, परिजनों ने सादाब और शाकिब के खिलाफ किया मामला दर्ज, नाबालिग को अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड के गिरिडीह जिले में कुएं में मिले महिला के साथ 3 बच्चियों के शव, हत्या के शक में पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार, पुलिस को मिले शवों पर चोट के निशान। महाराष्ट्र के पुणे में युवक को प्यार करना पड़ा महंगा, जाति के नाम पर लड़की के घर वालों ने की हत्या, आरोपियों ने युवक को सरिया और पत्थरों से मार मार कर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने पूरे मामले में 2 नाबालिग सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के कृष्णनगर थाने में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली, एएसआई ने साफ सफाई करने के लिए मांगी थी पिस्टल, स्थानीय पुलिस खुदकुशी मामले की कर रही है जांच। आईपीएस अफसरों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली छात्रा गिरफ्तार, यूपीएससी की तैयारी कर रही है छात्रा, आईपीएस अफसरों के खिलाफ कर रही है अभद्र पोस्ट, साइबर क्राइम टीम ने आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। कामा के बरौली धाव गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में फायरिंग, फायरिंग में एक पक्ष के 2 लोग हुए घायल। चौक की कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकूबाजी, एक युवक हुआ घायल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अजमेर के नसीराबाद में अतिक्रमण पर कार्रवाई, सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त, क्षेत्रवासियों ने पार्षद और प्रशासन के अधिकारियों का जताया आभार। टोंक के देवली में लाखों की संख्या में टिड्डियों का हमला, ग्रामीणों ने थालियां और बर्तन बचाकर किया टिड्डियों को भगाने का प्रयास। भरतपुर के बयाना में व्यापारियों की ओर से चलाया जा रहा है कोरोना जागरूकता अभियान, व्यापार संघ ने किया कमेटी का गठन, नियमों की अनदेखी करने वाले व्यापारी पर होगी कार्रवाई। सांगनेर उपखंड की कलवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति पर ग्रामीणों ने जड़ा ताला, समिति अध्यक्ष और सचिव पर लगाए कई गंभीर आरोप, तो किसानों को करना पड़ा परेशानी का सामना। जयपुर के बस्ती में मिला पैराशूट बलून, पुलिस ने पैराशूट बलून को लिया अपने कब्जे में। यूपी के अलीगढ़ में मौन तप पर बैठा सन्यासी, धूप में आग जलाकर 5 दिन से कर रहा है तपस्या, सुई धागे से सिल रखा है मुंह, मनोकामना पूर्ण करने की चाह में अग्नि तपस्या। यूपी के अलीगढ़ में चलती ट्रेन से मासूम लापता, परिजनों ने रेलवे पुलिस को दी शिकायत, पूर्वा एक्सप्रेस से गायब हुई 2 साल की मासूम, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। मिर्जापुर में कोरोना खौफ के बीच मगरमच्छ की दहशत, शिकार के लिए बस्ती में आ रहा मगरमच्छ, ग्रामीणों में भय का माहौल। यूपी के आगरा में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने 35,000 की नकदी सहित अन्य सामान किया पार, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
जोधपुर के फराक नगर में जनाचार्य रनय सागर भराज ने किया नगर भ्रमण। धर्म और अच्छे कर्मफल से आत्मकल्याण का दिया उपदेश। संत रामदास, पुनवान जैन चंद, प्रवीण सोनी सहित अनेक श्रद्धालु रहे मौजूद। विश्व नेत्रदान दिवस पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, कहा नेत्रदान के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करें। किसी को देखने में मदद करना सबसे बड़ा उपहार। आपके दान करके हम किसी के जीवन में अंधेरे को कर सकते हैं समाप्त। झालावाड़ में एसीबी की कार्रवाई, खानपुर के मेडिकल ऑफिसर को किया ट्रैप। 12,000 की रिश्वत लेते हुए मेडिकल ऑफिसर ट्रैप। डॉक्टर प्रदीप शर्मा को एसीबी ने किया गिरफ्तार। एक मेल नर्स को धमकाकर मांगी जा रही थी रिश्वत। बीकानेर में रेलवे कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मजदूर विरोधी कानून नहीं बनाने की मांग। पीएम के नाम अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जयपुर के हरमाड़ा में चलते ट्रक में लगी आग। बिजली के तारों की चपेट में आने से हुआ हादसा। धू धू कर जला ट्रक। ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। भरतपुर के रुदावल में पुलिस की कार्रवाई, अवैध रूप से रखी विस्फोटक सामग्री की जब्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चूरू के सादुलपुर में लसेड़ी गांव में पेयजल संकट। महिलाओं ने थाली बजाकर किया विरोध प्रदर्शित। 5 दिनों में होती है पानी की सप्लाई। हरियाणा से खरीदकर पानी पीने को मजबूर। चौक निवाई के पिपलू उपखंड इलाके में कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। जरूरतमंदों और प्रवासियों को वितरित किए गए थे भोजन के पैकेट। कार्यक्रम में पत्रकारों और बैंक कर्मियों को भी किया सम्मानित। राजस्थान की सीमाओं पर बढ़ाई गई चौकसी। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। आवाजाही पर रहेगा नियंत्रण। बांसवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की पहल। वृक्षम फाउंडेशन ने लगाए वानिकी उद्यान में औषधीय पौधे। लोगों को बताया जाएगा औषधियों का महत्व। राजस्थान की सीमाओं पर बढ़ी निगरानी। बारा के कस्बा थाना बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है लापरवाही। वाहनों की आवाजाही का सिलसिला बदस्तूर जारी। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया पहुंचे गांव जानासर। विधायक कोष में कुएं का किया जा रहा है घेरीकरण। ग्रामीणों की भी सुनी समस्याएं। जालौर के शीतलवाला के वेड़िया गांव में तहसीलदार और मेडिकल टीम ने किया निरीक्षण। अवैध मेडिकल स्टोर और क्लिनिक्स को किया गया सीज। दस्तावेज पेश करने के लिए किया गया पाबंद। चौक रिवाई में हेयर सैलून संचालक द्वारा बाल काटने से मना करने पर बवाल। पीड़ित ने दुकानदार के खिलाफ थाने में कराया मामला दर्ज। कार्रवाई की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कुलात उपखंड मुख्यालय में श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। जेईएन को हटाने की रखी मांग। ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नहीं मिल पा रही है उचित मजदूरी। झालावाड़ के खानपुर में बीजेपी ने बूथ संपर्क अभियान की शुरुआत की है। विधायक नरेंद्र नागर ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का करे प्रचार प्रसार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।